नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, क्या आपको इस शेयर पर निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे। और आपको बताया, एक टाइम जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे तकरीबन 44% की आपको जो है गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसमें कितनी सच्चाई थी गाइस और वो क्यों उन्होंने रिपोर्ट लाई, सारा क्लियर कर देंगे। तो गाइज, आपको पता है हम आपको काफ़ी लंबे टाइम से जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ में बाय कॉल दे रहे थे और हमने आपको 990 का टारगेट जो इसमें दिए थे और वो जो है अचीव हो चुके हैं। तो जेपी मॉर्गन ने जो रिपोर्ट लाई थी गाइज, वो जो थी जानबूझ के प्लांट की गई थी ताकि किसी बड़े प्लेयर को जो है यहाँ पे एंट्री मिली चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर निकले चाहिए। तो गाइज, आपको जो हमने टारगेट दिए थे 990 के, वो अचीव हो चुके हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों को क्या प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए, या यहाँ पे अभी भी जो स्टॉक में आपको रैली देखने को मिलेगी, सारा का सारा जो है हम आपको गाइज क्लियर करके देंगे। तो जो है गाइज, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अभी शेयर का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं गाइज। तो गाइज़, यहाँ पे हम जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के फंडामेंटल समझेंगे, क्योंकि जो है आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है जब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी तो कहा गया था कि यहाँ पे आपको तकरीबन 44% की गिरावट देखने को मिली करंट लेवल से। उस टाइम स्टॉक का प्राइस तकरीबन 940-950 के आसपास था और वहाँ से जो है स्टॉक में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो मैं अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दूंगा क्या सच में यहाँ पे ऐसी गिरावट होगी, क्या इसके फंडामेंटल जो है इंडिकेट करें। तो चलिए पहले इसके फंडामेंटल जो है डिस्कस करते हैं। तो कहीं से आप देखते हैं फ्री फ्लोट में जो 55% अवेलेबल है और जो क्लोजली हेल्ड है वो 44% है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिर्फ जो ओनरशिप रेशो है वहाँ पे कोई कमी नहीं है गाइज, जो रेशो है वो अच्छे उसमें बटी हुई है। तो यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक है गाइज। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, आप देखते हैं कंपनी की जो पी है वो बड़ी है गाइज, क्योंकि आपको पता है स्टॉक प्राइस जब से कंपनी लिस्ट हुई है और कोरोना के बाद जो है कोविड के बाद जो है कंटिन्यूसली हमें स्टॉक में एक तरफा रैली जो है देखने को मिली है। कंपनी के जो है अर्निंग्स भी बढ़ी है और वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी की बढ़ी है। तो गाइज, पी अभी भी कंपनी की जो है अंडर वैल्यूड जोन में, यहाँ पे इतनी घबराने की बात नहीं है। ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो आप देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी बढ़े, नेट इनकम जो है वो भी बढ़ी है, रेवेन्यू भी जो है उसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला और जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के स्टेबल रहे, ना ज़्यादा ऊपर बढ़े और ना ही ज़्यादा हमें उनमें जो है डाउनफॉल देखने को मिला। तो एक स्टेबल ग्रोथ हमें जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा है, एबिटा भी अच्छा है, नेट इनकम भी अच्छा है और टोटल रेवेन्यू भी जो है कंपनी का वो भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे बात की जाए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, तो यहाँ पे आप देखते हैं कंपनी ने अपना डेप्ट भी कम किया है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी बढ़ा और कंपनी के जो कैश एंड इक्विवेलेंट्स है वो भी जो है कंपनी के बढ़े। तो गाइज, फंडामेंटली यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो चार्ट पे अब हम आपको सेटअप समझाते हैं और यहाँ पे बताते हैं कैसी गेम जो है रिटेल इन्वेस्टर के साथ की गई, जानबूझ के रिटेल इन्वेस्टर को जो है यहाँ से निकाला गया और किसी बड़े प्लेयर को जो है एंट्री दिलाई गई। तो चलिए चार्ट सेटअप आपको समझाते हैं गाइज। गाइज, यहाँ पे जो है हम आपको चार्ट सेटअप समझाते हैं स्टॉक का क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तकरीबन यहाँ पे जो है उस दिन न्यूज़ आई थी और आपको पता है तकरीबन 17% स्टॉक उस दिन करेक्ट हुआ था। रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है जानबूझ के यहाँ पे जो है निकाला गया और जो है रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ से भगाया गया ताकि जो है रिटेल इन्वेस्टर को निकाल के यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर को एंट्री दी जाए, दिलाई जाए चाहिए। तो जो जेपी मॉर्गन था गाइज, उसने बहुत बड़ी गेम खेली यहाँ पे, जो उन्होंने एंट्री दिलाई और यहाँ पे जो है आप देख सकते फिर से जितनी भी यहाँ पे सेलिंग बनी थी सारी अब्जॉर्ब की गई और यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर जो है एंटर जो है हुआ और कोई बड़ा क्लाइंट जो है यहाँ पे एंटर हुआ। तो मैं आपको यही राय दूंगा किसी कारण की वजह से उन्होंने जो है बड़े प्लेयर को यहाँ एंट्री दिलाई है तो कंपनी का फ्यूचर हमें काफ़ी ब्राइट लग रहा है। तो आप लोग जो है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में बुलिश रहिए और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठिए, ये आपको आने वाले टाइम में 1600-1700 रुपये का होता हुआ दिख सकता है। तो गाइज, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट सेटअप भी पॉजिटिव है। चार्ट सेटअप आप देखते हैं कितना बेयरिश बुलिश ट्रेंड शो करे, कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शो करे और सेटअप कितना स्ट्रॉन्ग है और अपने सारी मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करे। तो गाइज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जो है हमारी तरफ से एक बाय कॉल रहेगी, तो आप लोग जो इस शेयर में बाइंग करके चलिए और ये शेयर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और यहाँ पे आपको जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो गाइज, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज से बाय कीजिए। तो गाइज, ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।